हाय एवरीवन, आजकल के इतने बिजी लाइफस्टाइल में सबके काम का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, इतने सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके बाद भी इतने ज़्यादा प्रेशर होती है, कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया है कि एंजाइटी और स्ट्रेस में आजकल काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं इसके साथ, राइट? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आसनास दिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान है, सब कर सकते हैं, और इसको प्लीज़ आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करिएगा, ठीक है? जो पहला है वो है बद्धकोनासना, बटरफ्लाई पोज। इसके लिए आपको दोनों पैरों को, सोल को ऐसे जोड़ना है, इसको पकड़ना है और आपको फ्लैप करना है, ब्रीथ करते रहना है नॉर्मली। इसमें ब्रीथ होल्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करिएगा जितना आपसे हो पाता है, एक सेट, फिर ग्रेजुअली इसको आप इंक्रीज करिएगा। जो दूसरा है वो है बालासन, चाइल्ड पोज। उसके लिए आपको पहले वज्रासन में आते हुए हाथों को एक्सटेंड करना है एंड रिलैक्स शोल्डर, लंबा गहरा सांस लेते जाइएगा। जो तीसरा है वो है कैट काउ पोज। उसके लिए आपके हाथ को आपके शोल्डर लेंथ तक ओपन करना है, पैरों को भी ठीक इक्वली उतना ही खोलेंगे जितना डिस्टेंस आपके हाथ में है। सांस लेते हुए आपको ऊपर देखना है और आपके लोअर बैक को नीचे की ओर प्रेस करना है। सांस छोड़ते हुए आपको आपके चिन चेस्ट से लॉक करना है और मैक्सिमम अपने स्पाइन को एक्सपेंड ऊपर की ओर अर्च करना है। इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। जो अगला आसन है वो है मकर आसन। उसके लिए आपको पेट के बल लेटना है, आपके जो पैर है वो साइड से है, आपके जो टोज है वो बाहर पॉइंटेड होंगे। एड़ी को आप कोशिश करिएगा मैट पे रखने की। दोनों हाथ के जो एल्बोज है उसको जोड़ना है और आपके हाथों को आपके चिन पे प्लेस करना है। आराम से आप सांस भरते जाइएगा और सांसों को छोड़ते जाइएगा, ब्रीथ करिएगा, ये बहुत रिलैक्सिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग। जो आखिरी आसन है वो यष्टिक आसन है। उसके लिए आपको सीधा लेटना पड़ेगा, लंबा गहरा सांस लेना है, दोनों पैरों को मिलाना है, इनहेल करना है और अच्छा सा खिंचाव लाना है पूरे शरीर में, पैरों को एकदम खींचना है अपनी ओर, पेट को भी खींचे रखना है, सांसों को रोकिएगा मत। एक्सहेल। सवासन में सबसे लास्ट आपको रेस्ट करना है। थैंक यू सो मच।